देख रहे हैं माय भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। माय भारत पर समय हो चुका है यूके स्पेशल का। नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ सूर्य उपासना का सबसे बड़ा छठ का पावन पर्व सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। महापर्व छठ के चौथे दिन हरिद्वार में महिलाएं छठी मैया की पूजा के लिए खासा उत्साहित दिखी। शहर में अलग अलग जगहों पर छठी मैया के लोकगीतों के साथ उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। देखिए, जिस प्रकार से पार्टी ने निर्णय लिया कि हर घर भाजपा घर घर भाजपा, उस अभियान के आज हमने यहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र में मीरानगर के इस बूथ पे शुरुआत की है। अब आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में एक बूथ के अंदर है हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो महिला हों पुरुष हों या अन्य हमारे तमाम लोग आज उपस्थित हैं। और मैं स्वयं इसमें घर घर जा रहा हूँ, दुकान दुकान जा रहा हूँ, और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो मंत्र हमारे माननीय मोदी जी ने दिया, माननीय धामी जी ने दिया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, उस मंत्र के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और जो रिस्पांस मैं जनता का देख रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि जनता ने स्वीकार कर लिया है कि आने वाले टाइम पे समय फिर भाजपा का है। और चूँकि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने, अभी आपको पता है कि 5 नवंबर को केदारनाथ में कहा था कि ये जो दशक होगा ये 100% हमारे उत्तराखंड का होगा और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसलिए सभी को मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। चूँकि आज छठ पूजा भी है, छठ पूजा के इस पावन अवसर पर हमने कार्यक्रम शुरू किया है, उसकी भी सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ। ये पूरे हर बूथ पे चलना है और इसमें आज से तो ये हमने प्रारंभ किया है, मैंने एक बूथ से प्रारंभ किया है, ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में पूरे प्रदेश स्तर पर चलना है और चल रहा है सभी जगह। क्योंकि मुझे जो पार्टी का निर्देश था कि मुझे इस बूथ पर रहना, तो मैं इस बूथ से मैंने प्रारंभ किया है। और अभी आगामी बहुत सारी हमारी जो हैं योजनाएं हैं, जो हमारी बहुत से कार्यक्रम हैं, वो लगातार चलने हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेरे यहाँ का लगातार 3 बार जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है और एक एक व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के काम के प्रति, इस क्षेत्र में काम के प्रति और माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के प्रति बहुत आशावान भी है और उनका आशीर्वाद चाहता भी है। और वही आशीर्वाद मैं जनता से चाहता हूँ। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये कार्यक्रम रोज चलेंगे, मैं रोज आपसे बात करूँ। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में लगातार सक्रिय दिखाई दे रही कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप के आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। लगातार कांग्रेस नेताओं के द्वारा मीडिया को दिए जाने वाले बयान तो कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल ऋषिकेश पहुंची गढ़वाल की मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में जितनी चरम पर महंगाई पहुंची है, उतनी किसी भी पार्टी के कार्यकाल में नहीं पहुंची है। राज्य सरकार के 2 मुखिया बदलकर भाजपा ने खुद साबित किया है कि उनके मुख्यमंत्री सरकार को चलाने में नाकाम साबित हुए हैं। हमने कहा कि हम मातृशक्ति को केंद्र बिंदु बनाकर हमारी जो मैनिफेस्टो की तमाम योजनाएं घोषणाएं होंगी उसका केंद्र बिंदु मातृशक्ति होगी, क्योंकि हमारे समाज की धुरी ही मातृशक्ति है। हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारा युवा दिशाहीन हो रहा है, अवसादग्रस्त हो रहा है, तो हमने वादा किया है कि हम उत्तराखंड को रोजगार के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बनाकर छोड़ेंगे। हमने ये वादा किया है हमारे पंडा पुरोहित समाज से कि बहुत हो गया आपका अपमान, कांग्रेस पार्टी सरकार में आते ही जो पहला काम पहली कलम से करेगी वो है देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने का। हमारे युवाओं में एक बड़ी मांग सख्त भू कानून की उठ रही है। हमने वादा किया है, हमारे समय पर भू कानून लागू भी था, यहाँ पर त्रिवेंद्र सरकार ने आते ही अपने प्रचंड बहुमत के बलबूते उसको हटाने का काम किया, उत्तराखंड को गिरवी रखने का काम किया, उसको बेचने का काम किया, ओपन फॉर ऑल कर दिया। हम एक सख्त भू कानून लेकर आएंगे, ये हमारा वादा है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने आज तक जनता से जो वादा किया उसको तोड़ा नहीं, उसके लिए काम किया। हमारी वो पार्टी है जिसने गैरसैंण को 2012 में ठंडे बस्ते से बाहर निकाला। 12 साल तक कोई इस प्रदेश के अंदर नाम लेवा नहीं था गैरसैंण का। राज्य गठन के बाद 2012 में कांग्रेस पार्टी के अथक प्रयासों से आज आप वहाँ जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देख रहे हैं वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। हमने राजधानी का भी वादा किया था, उसे हम ही पूरा करेंगे। हम जो जितने भी हम रोजगार का वादा पूरा करेंगे, हमने उत्तराखंडियत की बात करने वाली पहली
पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, आज आप देख लिए मडुआ झिंगोरा बिस्किट्स हैं, बर्फियां हैं, सब मडुए की बन रही हैं। तो गांव-गांव जो ये स्वरोजगार की केवल बात करते हैं लोग, उनके स्वरोजगार की हकीकत तो सबके सामने है, लेकिन हमने जो शुरुआत करी उसकी वजह से आज मुझे लगता है जो भोजन माताएँ हैं, जो आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो इस बात को अच्छे से पहचानती हैं कि उनके नाम को पहचान देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उनको इस तरह से लगातार उनके हाथों को काम देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो आज चाहे कर्मचारी वर्ग हो, शिक्षक वर्ग हो, या इस तरह के हमारे बाकी के संवर्ग हो, सबके सब चाहते हैं, खुले दिल से चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पर पुनः बने। रुड़की के झमली खेड़ा में उद्यान विभाग और वन विभाग की मिलीभगत से भू माफियाओं और वन माफियाओं ने एक दो नहीं बल्कि 96 हरे भरे पेड़ों पर रातों रात आरी चला डाली। उद्यान अधिकारी की माने तो उन्हें बीती 3 नवंबर को सूचना मिली थी कि झमली खेड़ा के एक बाग में पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसके बाद वन अधिकारी ने एक प्रॉपर्टी डीलर के नाम सिर्फ 7 पेड़ काटे जाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि बाकी पेड़ों की कटाई को अनदेखा कर दिया है। सर, 3 तारीख का दिन था, 3 तारीख में हमें सूचना मिली कि वहाँ पेड़ कट रहे हैं, तो हमने अपने प्रतिनिधि के द्वारा भेज कर वहाँ मौका मुआयना करवाया। हमें 7 पेड़ कटे मिले हैं वहाँ और 4 पेड़ खड़े मिले हैं, उन पर हमने नोटिस जारी कर दिया और हमें मौके पर जो मिला ये हमारी रिपोर्ट है। सर, क्या कार्रवाई की जाएगी, कितने 96 पेड़ में से काट लिए गए, किसके नाम, क्या विरोध? नहीं, 96 पेड़ों का हमें कोई सबूत नहीं मिला वहाँ, हमें 11 पेड़ का सबूत मिला, 4 खड़े मिले, 7 कटे मिले। अगर आपको वहाँ की फोटो दे दी जाए 96 पेड़ पहले खड़े हुए जी, उसके हिसाब से कार्रवाई करें। ऐसी तो कोई जांच नहीं हुई, नहीं हमारे पास कोई ऐसी नकल नहीं। खानापूर्ति के अनुसार 7 पेड़ दिखाएगा, खानापूर्ति नहीं, जो हमें बताया, जो मौके पे मिला, बताया हमें किसी ने नहीं, हमने जो मौके पे देखा उसके आधार पर हमने कार्रवाई होगी, नोटिस हमने जारी कर दिया उसमें। अच्छा, नोटिस जो है हमने जारी किया है अंकित कुमार सनो दिग्विजय सिंह, पहले जाँच नहीं की उससे पहले, उससे पहले हमें कोई सूचना थी नहीं कि हमें जांच करनी आवश्यक है या जरूरी है। सर, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है नोटिस करने के बाद? नोटिस करने के बाद या तो जुर्माना भरेंगे जो विभाग के मानक हैं। जब विभाग किसी पर कोई कार्रवाई करता है तो क्या उससे पहले कोई जांच नहीं की जाती? कार्रवाई जब होती है तभी होता है, उसके बाद जाँच की जाती है जब कोई सूचना मिलती है, उससे पहले कोई जाँच नहीं की जाती? उससे पहले तो यहाँ गाँव में क्षेत्र में जगह जगह बगीचे खड़े, उसका जी अगर जुर्माना होगा तो कितना लगेगा? जुर्माना तो विभाग तय करता है, हमारा जो हमारे मुख्य उद्यान अधिकारी हैं उनके आधार पर। पेड़ फिर भी कितना माना है, कितना वो अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है, 2000 भी कर सकता है, 5000 भी कर सकता है, 4000 भी कर सकता है। ऋषिकेश में यूपी के सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए समाजवादी पार्टी जल्द ही अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। आगे उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त आ चुकी है, इसीलिए जनता को तीसरे विकल्प की जरूरत है जो समाजवादी पार्टी से बेहतर नहीं हो सकता। 2022 में विधानसभा का चुनाव उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, यहाँ जनता के साथ भारी धोखा हुआ है, पलायन रुका नहीं है, रोजगार मिला नहीं है, अर्थव्यवस्था चौपट है, दूर दराज चिकित्सा का कोई इंतजाम नहीं हो पाया, लोग बहुत निराश हैं भाजपा के शासन से, इसलिए समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। श्री अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा है कि हम ये लड़ाई विकास की भी लड़ेंगे और 2022 के इस चुनाव में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई भी लड़ेंगे, इसलिए इस बार जनता के साथ धोखा ना हो, समाजवादी पार्टी की ये जिम्मेदारी है। हम उत्तराखंड के सम्मानित नागरिकों से, सम्मानित मतदाताओं से ये अपील करते हैं कि इस बार ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के लिए, जहां उनका भविष्य जुड़ा हुआ है, विकास का रास्ता खुलना चाहिए, लोकतांत्रिक संस्था मजबूत हो, जनता के जो अधिकार हैं उस पर किसी की कुदृष्टि ना हो, किसी तरह का कोई हमला ना हो सके, इसके लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी और यहाँ पर
2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड के हर विधानसभा क्षेत्र में हम जाएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपनी विजय यात्रा रथ लेकर भी उत्तराखंड के चुनाव में आएंगे। ऋषिकेश से माई भारत के लिए अमित कंडियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ता में मौजूद बीजेपी ने बूथ स्तर पर चुनावी कैंपिंग शुरू कर दी है। इसी कड़ी में ऋषिकेश में सैकड़ों लोगों ने मंडल महामंत्री सुंदरी कंडवाल के नेतृत्व में घर घर जाकर कैंपिंग की और इस कैंपेनिंग का हिस्सा युवा, बुजुर्ग और महिलाएं रही। इस कैंपेनिंग के दौरान लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष को समस्याओं के बारे में बताया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। उत्तराखंड की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और देखते रहें माय भारत।